अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जिस तरह की आप देख रहे हैं मैं आप सबकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँ। मैं हूँ मोहम्मद हसनैन, पाकिस्तान से इंग्लिश मोटिवेशनल स्पीकर, रेडियो आरजे, ब्लॉगर, यूट्यूबर एंड कॉलमिस्ट। दोस्तों, जिस तरह की आप जानते हैं हमारे साथ आज एक ऐसे आदमी, एक ऐसे इंसान मौजूद है जो कि हर एक इंसान उन्हें ज़रूर जानता है, और बहुत से ऐसे इंसान हैं जो कि इनके फैन भी हैं। एंड वी शो वेलकम सर बख्तियार खटक सर, जो कि एक सिंगर हैं और इन्होंने अभी तक बहुत सी गाने और ऐसे बहुत कुछ किया है। زدر خیمه مینا وره ماره پاره د فخر خبره را چې دا ما سره او وکلن دا ګل ګلاله د مونږ د دیسی می شازل می حسنین خان محمد حسنین ما سره ناشته او کله چې ما مخ وړاندې هم ملاقاتونه شي وي خو چون کې د مونږ حافظه خو ورستر وځه ادم را ډک شي وي چې ما تاسو لري دین زو خپل ډیر زیات خوشاله وم ما زه به تاسو نه پوښتنه کوم په هر حال تاسو موخه له فائدو هغه ست کیمرې په مخ کې دا نه وي کل چې ډیر تکړه دی تاسو ما نه پوښتنه کوي مې ٹھیک ٹھاک میں وہ ہم اردو میں بات کریں گے کہ پشتو میں کریں گے نہ ایز یو سو سوشل یونیٹ ریڈیو پشتو دا ہم لوگ ریڈیو تو پشتو کا ہے لیکن وی شوڈ ڈو اٹ ان اردو کیونکہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کیونکہ یہ فائدہ مند ہوگا کیونکہ ایسے ہر ایک انسان کو پشتو نہیں آتی ہے اب ہمارے پشاور کے اندر لوگوں کو تھوڑی تھوڑی لوگوں کو उर्दू सिर्फ आती है, ऐसे बहुत से लोगों को पश्तो आती है, लेकिन आफ्टर केपीके फिर वहाँ पर बहुत से सूबे भी हैं और चार सूबे हैं टोटल, उनमें से एक हमारे केपीके है। तो इस तरह और सूबों के लोग ज़रूरी नहीं कि वो भी पश्तो बोले। तो उर्दू एक सिंपल लैंग्वेज है जो कि पूरी दुनिया में फैलती है, तो इसलिए वी शुड टॉक। ओके, आई एम एग्रीड। एक्चुअली आप कहने का मकसद यही है कि हम सिर्फ पश्तूनों के लिए सिर्फ ना हो बल्कि हमारी बात जो है तो पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं। ओके ओके, ठीक है, क्योंकि मुझे पता चला है कि मोहम्मद हसनैन के मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, तो हसनैन में आपकी वजह से और भी ज़्यादा मकबूल हो जाऊंगा, मेरे लिए फख्र की बात। थैंक यू सर। आपने स्टार्ट कब से लिया था? इट वाज ऑलमोस्ट 2020 सॉरी 2000 अभी 2020 हो गया, तो 20 इयर्स ऑलमोस्ट इसमें हो गए। स्टार्ट तो ये है कि शौक तो मेरा आपकी उम्र से ही मुझे म्यूज़िक के साथ लगाव था, हालांकि कोई ऐसी सच पाबंदियाँ भी नहीं थी, लेकिन हसनैन विल यू बिलीव अभी कैमरे के सामने हम बैठे हुए हैं और माइक भी लगा हुआ है, वन मैन शो हो रहा है सारा, पूरी दुनिया तक ये मैसेज जा रहा है। उस वक्त सारे सारी दुनिया इस वक्त में देख रही है, सुन रही है, इस टाइप की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करना और वो दुनिया के सामने लाना, वहाँ तक पहुँचाना, ये एक इतना मेगा प्रोजेक्ट हुआ करता था कि इसके पीछे कम से कम 50 से 100 लोगों की कारकर्दगी होती थी, तब जाके वो बात दुनिया के उस कोने तक पहुँचती जो अभी वो एक क्लिक में एक कैमरा के साथ हम कर सकते। उस टाइम में थोड़ी सी अवेयरनेस कम थी, तो 2000 में करियर स्टार्ट करते वक्त मुझे काफ़ी दुश्वारियाँ हुई थी सर। एंड ऑन अनदर साइड, आप इस वक्त आए हैं, मैंने एक रेडियो, क्योंकि मैं बहुत सी रेडियोज में काम करता हूँ, उनमें से एक रेडियो है रेडियो तहजीब, तो मैंने उनके लिए एक वीडियो भी बनाई थी। आई ऑलवेज अप्रिशिएट एवरी दैट रेडियो दैट इज वर्किंग फॉर द यूथ, दैट इज वर्किंग फॉर द पीपल। तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आप एग्जैक्टली हसनैन साहब, ऐसा है कि अभी जो मेरे तई मेरे नज़दीक जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमारे सोसाइटी में, इतनी ये सोशलाइजिंग के बाद जितने मीडियम आ गए हैं, इसमें सबसे ज़्यादा अगर ज़रूरत है यूथ के हवाले से, तो वो तहजीब की ज़रूरत है, क्योंकि तहजीब की कमी दिन ब दिन आ रही है। तो ये रेडियो अपने नाम से ही इसकी नुमाइंदगी हो जाती है, और जिस तरह आपको देखने के बाद काफ़ी सारे लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह ये शुऊर आया होगा, और हर कोई मेरी तरह चाहता होगा कि उसका बच्चा भी जो है, उसका बेटा भी जो है, वो आपकी तरह तहजीबी याफ्ता हो, उसको बात करने का सलीका हो, ढंग हो। सर, अब तो हमने बहुत ज़्यादा ऐसी बातें कर ली बड़ों की और हमने फनी, बट एक ऐसा शरारत हमें बताएं जो कि आपने बचपन में, आपको अभी तक याद है, और उसकी सबसे ज्यादा आपने मार दिखाई। कोई एक हो तो मैं बताऊं आपको, आप बिलीव करें, मैं अब भी मेरे पैर में एक जगह पे, ये लेफ्ट वन में यहाँ पर एक दाग का निशान है, मुझे भी याद है, मैं तकरीबन ऑलमोस्ट आपकी एज का था, लेकिन उस वक्त हम इस लेवल पे नहीं थे जितना आप हैं। तो मेरी माँ, अल्लाह बख्शे उसको, वो कुकिंग कर रही थी,
और मैं चूंकि ज्यादा शरारती था क्योंकि मैं छोटों में से था, तो मैं वहां से चलांगे लगाया करता था। और अभी मुझे याद है कि उन्होंने ठीक ठाक घी जो है वो गर्म, पता नहीं उस टाइम वो क्या बना रही थी, क्या पका रही थी, लेकिन एक दफा मैंने चलांग मारी वहां से। स्ट्रिक्टली उन्होंने मुझे मना किया कि देखो बख्तियार, नॉट ऑन सेकंड टाइम, बड़ा खतरनाक है। जब दूसरी दफा मैंने चलांग लगाने की कोशिश की तो मेरे ये वाला पैर जो है वो पूरा उस तले हुए घी में वो इस तरह गिर गया। अब भी तक मुझे वो चीखें भी याद है, और मैं ये वेट कर रहा था कि मेरा बाबा आएगा, जब वो मुझे देखेगा तो मुझे प्यार करेगा और मुझे भूसा देगा कि मेरा बेटा जख्मी हुआ है। और जो ही वो आया है तो उसने मुझे खूब ठीक ठाक डांट के साथ कि ये इतनी बड़ी शरारत आपने की, अगर आपको कुछ इस तरह का हो जाते तो फिर क्या करते। तो मुझे अब भी वो याद है। आप बात करते हैं ना, वहाँ पर पेरेंट्स डे होता है ना, वहाँ के पेरेंट्स जो है ना वो इसी तरह खिड़कियों में देखते हैं कि कब उनका बेटा उनके पूछने के लिए आएगा। ये वही माय बेटा माय स्वीट यू माय बेबी, इसमें अभी तो हमें मिठास लगती है लेकिन इनका फ्यूचर जो ऐसे पेरेंट्स का होता है ना, वो बिल्कुल अगर करना भी चाहे तो नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर वो बेटा कंप्लेंट भी कर सकता है। और अभी तक मुझे पता है जिस चीज पर सबसे ज्यादा इंसान सख्ती जिस चीज पर हुई है वही उसे सबसे ज्यादा याद होती है, क्योंकि अभी तक मुझे पता है कि मुझे सबसे ज्यादा सख्त जो चीज लगी थी वही आज मेरे लिए इतनी आसान बन चुकी है। तो ये बताएं मुझे कि आपके बाबा आपसे डरते हैं? मुझसे डरते नहीं। आपकी मम्मा से डरते हैं? नहीं नहीं, एक से भी। वो यहां पर आप क्यों देख रहे हैं बार बार, क्या मतलब? नहीं मैं वैसे नहीं देख रहा हूँ। अच्छा। वैसे तो असल के अंदर ये बात ऐसी है जो कि आई एम आरजे, तो सबसे पहले जब मेरा फर्स्ट शो था तो वो मेरे लिए मुश्किल था, बट आई हैड टू टेल हिम, तो इसलिए मैंने दिल खोल कर जो मेरे माइंड में आया बस मैंने वो बोल दिया। होना भी चाहिए, सारे ख्याल की आजादी होनी चाहिए। उसके बाद उसके बाद जब फिर मैं थोड़ा थोड़ा सा काम की तरफ आया तो फिर वो थोड़ा मुश्किल बन गया था, बट इट्स नॉट वेरी मच इजी, क्योंकि सबसे ज्यादा मैंने सख्त टाइम अभी जिस तरह अभी इस स्टेज में आप हैं बेटा, और जिस तरह आपको लोग पसंद कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट यू आर एक्सक्लूसिव लेवल पे आप कर रहे हैं, आपके एज में बहुत कम आरजेस हैं, एक चेंज है तो दुनिया बहुत ज़्यादा पसंद करती है, बिलीव करें। हमारे जब म्यूज़िक में एंट्री का टाइम था तो उस वक्त पश्तों में पहली दफ़ा एक्सक्लूसिव 24 आवर्स का शो चैनल आ रहा था, और उसमें मैं पर्सनली खुद बजाता था, मैं एज अ पायनियर वहाँ पर, फर्स्ट video song was mine and on the first ever stream in Pashto. तो उन दिनों हमारे लिए ये एक एजाज की बात थी कि यार ये देखे ये यंग लड़के यहाँ पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी करते हुए videos, वहाँ उस वक्त concept ही नहीं था। तो एक वक्त आएगा आप कहीं जा रहे होंगे और सामने आपके ठीक ठाक खट्टा खट्टा जवान खड़ा हो जाएगा और आपको कहेगा कि हसन साहब मैंने फनासन में आपको देख के आपको सुन के मैंने एक स्टेप लिया था और आज मैं जो हूँ तो मैं एक पॉपुलर आरजे हूँ, या पता नहीं, क्योंकि दिन ब दिन टेक्नोलॉजी की वजह से जितनी तरक्कियाँ हो रही है कि फिर उस वक्त कैसा एक दौर चल रहा होगा, हर एक लड़का इंडिविजुअल परिंदों के साथ साथ गाड़ियां भी उड़ रही, शायद परिंदों गाड़ियों की बात ही नहीं, अभी तो इंसान खुद उड़ने लगे हैं। हाँ, अभी इंसान कोई चिप लग जाएगा और हम बुर उड़ जाएंगे वहाँ पर। कोरोना से पहले मैं कहता था कि ये अफवाह है, ये चली जाएगी, पर जब पूरी तरह से इसने काबू ले लिया और पूरा मुल्क में लॉकडाउन हो गया तो फिर मुझे एहसास हुआ कि हाँ ये अफवाह नहीं है, जो कुछ इंसान ने देखा होता है वही वो समझता है। असल में वो एक शेर है ना, दिल जो देखता है लब पर वो आ सकता नहीं, महव हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। ये अभी तो खैर आप जैसे हमारे जो शहजादे हैं उनको तो एहसास हो जाना चाहिए, क्योंकि वो बातें जो मैं अपने बचपन में देखा कर रहा था कि वो इस तरह को एक स्क्रीन और बल्ब हो तू 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 सामने टीवी पे सिग्नल्स इस तरह ब्लिंक करते, फिर उसके बाद एक बंदा सामने आके उसे बातें हो रही होती थी, तो मैं सोचता था यार ये क्या हो रहा है, इज इट पॉसिबल? और ये देखिए हमने अपने ही जिंदगी में सब कुछ देख लिया। तो आप इस पर बिलीव रखें कि आप इस तरह ये दरवाज़ा है
और आपने कहा कि मैं फ्रांस में फलानी जगह पे जाना चाह रहा हूँ, टक करके दरवाजा खुल गया, उसके अंदर हो गया, दरवाजा बंद हो गया। वैसे इलेक्ट्रॉनिक होम्स बन भी चुके हैं, बन रहे हैं, बन वैसे वो बातें तो बाद में कर लेंगे, हमारे व्यूअर्स ने तो बहुत बातें सुन ली। तो दोस्तों अभी तक आपने जो कुछ भी सुना है, जो कुछ भी समझा है, आप उस पर सोचें। और अभी के लिए फिलहाल हमें और सर को थोड़ा इजाजत दीजिए, और इजाजत दीजिए कि हम लोग थोड़ी और हम लोग काम भी करेंगे। वैसे इट्स वेरी मच आजादी देना है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एजाज का दिन है, क्योंकि रेडियो तहजीब का एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि रेडियो तहजीब का सालगिरह है आज, तो हम उसे भी मनाएंगे। तो तब तक के लिए मुझे अल्लाह हाफिज, और थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज पाकिस्तान जिंदाबाद। फ्रॉम माय साइड टाटा इज्जतमंद से, इट्स 7th एनिवर्सरी ऑफ रेडियो तहजीब, मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस, अल्लाह को हमारा, अस्सलाम वालेकुम।